और टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को अब अफ्रीकन चीते की सौगात मिलने वाली है। कूनो नेशनल पार्क में 4 महीने में 10 अफ्रीकन चीते लाए जाएंगे। वन मंत्री विजय शाह ने बंसल न्यूज को जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इसकी मंजूरी देते हुए आदेश भी जारी कर दिए हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कूनो को अफ्रीकन चीते के लिए मुफीद माना था। कूनो पालपुर में 10 अफ्रीकन चीतों में 6 नर और 4 मादा होंगे। इसे लेकर केंद्र और राज्य सरकारों ने तैयारी भी शुरू कर दी है। सोमवार को भोपाल में चीतों की शिफ्टिंग को लेकर बैठक की जाएगी। दरअसल 2010 में केंद्र सरकार ने चीतों की विलुप्त होती प्रजाति को बचाने के लिए अफ्रीका से चीता लाकर यहाँ बसाने की तैयारी की थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई और देश में अफ्रीकन चीता बसाने की अनुमति मांगी गई थी, जिसके बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कूनो नेशनल पार्क, नोरादेही और राजस्थान के शाहगढ़ के जंगल में से किसी एक जंगल में इन्हें बसाने की अनुमति दे दी थी। कूनो में अफ्रीकन चीते लाने की अनुमति अभी हाल हमें मिली है और ये कल ही मिली है और अब 10 अफ्रीकन चीते बहुत जल्दी हम लोग पालपुर कूनो में लेके आने हैं।